आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। आज महापर्व छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन है। 17 नवंबर से शुरू हुए छठ पूजा में पहले दिन न्याय खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन यानी कल 19 नवंबर शाम का अर्ध सूर्य देवता को विधि विधान से व्रती ने दिया। इसमें डूबते सूरज को अर्ध दिया गया। खरना पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के बाद से ही छठ पूजा का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है जो 36 घंटे तक चलता है। आज यानी 20 नवंबर को उगते सूरज को व्रति अर्ध देंगे और इसी के साथ छठ का महापर्व संपन्न हुआ। छठ का पर्व संतान की प्राप्ति, उसकी लंबी आयु, सुख शांति के लिए किया जाता है, साथ ही प्रकृति से जुड़ा पर्व भी है। पूजा में व्रति यदि विधि और श्रद्धा भाव से उगते सूरज को अर्ध दे तो छठी माता प्रसन्न होकर उनकी पूजा को स्वीकार कर लेती है, सदा अपनी कृपा बनाए रखती है। सूर्य पूजा के समय महिलाएं सूती साड़ी पहनती है, वहीं पुरुष धोती पहनते हैं। साफ सफाई शुद्धता का ख्याल रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार तांबे के कलश से अर्ध देना शुभ होता है।
गुड़िया तो पानी में चल जाओ, डाल दिया ना, जाओ जल्दी जाओ। बबले छठी मैया की, अच्छा रिस बन रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।